वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइसेस यानी मसालों के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दो प्लांट्स के बारे में। सबसे फर्स्ट है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च या फिर पाइपर नेग्रम के बारे में, एंड सेकंड है अदरक यानी कि जिंजीबेर ऑफिसिनेल के बारे में। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है काली मिर्च यानी पाइपर नाइग्रम, जिसको ब्लैक पेपर बोला जाता है। पिपरेसी फैमिली से ही बिलोंग करता है। एंड ब्लैक पेपर को भारतीय मसालों का राजा यानी कि किंग ऑफ इंडियन स्पाइसेस कहा जाता है। और इसके अंदर जो प्लांट पार्ट यूज होता है इस पौधे का, वो होता है सूखे हुए बेरी यानी कि ड्राइड अनराइप बेरीज जो है एज स्पाइस इसकी यूज की जाती है। नेक्स्ट इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के वर्षावनों के लिए इंडिजीनस है। इसके अलावा केरल जो है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत के अंदर, और अकेले केरल जो है भारत का कुल उत्पादन 96% करता है। अन्य राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी भी इसका उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट इसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन यानी इसका वानस्पतिक वितरण, तो यह एक कमजोर अनुगामी झाड़ यानी कि ट्रेलिंग सर्व ये होती है, जो कि 9 मीटर तक ग्रो कर सकती है। इसके अंदर कुछ फूली हुई गांठें यानी कि स्वेलन नोड्स होती है। इन स्वेलन नोड्स के ऊपर अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स, पत्तियां एंड कक्षीय कलिका यानी कि एक्सिलरी बड्स उत्पन्न होती है। पत्तियां इसके अंदर साधारण एकांतर अंडाकार चौड़ी और गहरे हरे रंग की होती है, और एक तीखे स्वाद वाली होती है यानी कि एक पंजेंट स्मेल के साथ ही होती है इसकी पत्तियां। इनफ्लोरेसेंस के अंदर इनफ्लोरेसेंस स्पाइक टाइप की होती है और सफेद फूल इसके अंदर पाए जाते हैं। फल की अगर हम बात करें तो एक बीज वाला गोलाकार ड्रूप इसके अंदर पाया जाता है, जो कि पकने पर मैच्योरिटी पे लाल रंग का होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये कैसा हो जाता है, काला रंग का हो जाता है और ये झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड हो जाता है। नेक्स्ट है यूजेस। ब्लैक पेपर के यूज की अगर हम बात करें तो ये चार सॉस, सूप एंड भोजन के मसालों में यूज किया जाता है। काली मिर्च का जो तेल है इसका उपयोग सोसेज, डिब्बाबंद मीट, सूप, टेबल सॉस और कुछ पेय पदार्थों के स्वाद के लिए स्वाद के सहायक के रूप में एज फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। इसका उपयोग तेल, वसा, जमे हुए पोर्क, बीफ, लार्ड में रेंसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, कि रेंसिडिटी को जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर यहाँ पे जो भी फैटी चीज़ें होती हैं यानी कि जैसे घी हो गया, तेल से बनी हुई जो चीज़ें होगी वो जल्दी से मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में या फिर एयर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अनप्लेजेंट स्मेल और उनका टेस्ट है वो बदल जाता है, तो उसको ये कम करता है। इसके कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ये मलेरिया, कम कपी यानी कि ट्रेमर्स और हेमरॉइड्स यानी कि एक तरह से बवासीर ये होती है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, और गले की खराश को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सभी यूजेज है यहाँ पे काली मिर्च के। सेकेंड यहाँ पे आता है अदरक या फिर जिंजीबर ऑफिसिनेल, तो ये जिंजर बेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका वर्नेकुलर नेम जिंजर या फिर अदरक होता है। इसका मसाले के रूप में पौधे का प्रयुक्त भाग प्रकंद या फिर राइजोम होता है। ठीक है, राइजोम इसका पार्ट यूज किया जाता है एज स्पाइस। नेक्स्ट है ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के नेटिव है और भारत, जमैका, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी चीन, नाइजीरिया आदि के अंदर भी ये उगाए जाते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन केरल कुल 70% उत्पादन करता है अदरक का, और ये सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य राज्य जो यानी भारत के अन्य राज्य जो इसकी खेती करते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि है। तो ये उत्पत्ति और वितरण है। नेक्स्ट है इसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन यानी इसका वानस्पतिक विवरण, तो ये एक पेरिनियल हर्ब होती है। इसका राइजोम जो कि एज इसका प्लांट पार्ट यूज किया जाता है स्पाइस की तरह, मसालों की तरह, ये मजबूत होता है, शाखित होता है। ठीक है, ऐसे ब्रांच्ड होता है ये। छोटे छोटे स्केली लीव्स इसे ढका हुआ होता है, जो कि 20 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। और ये जो लीव्स हैं, स्केली लीव्स हैं, ये लंबी और दो खड़ी कतारों में अल्टरनेट लगी हुई होती है। फाइबरस रूट्स भी इसके अंदर पाई जाती है। इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर डेंस स्पाइक पाई जाती है। फूल जो है इसके हल्के पीले रंग के होते हैं और तने के सिरे पर लगते हैं।
तो ये इसका बोटैनिकल डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है अदरक के यूज। तो ये इसका यूज जो है पाक तैयार यानी कि कलरी प्रिपरेशन के अंदर किया जाता है, अचार और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के रूप में इसका के लिए इसका किया जाता है, और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बचाने के लिए खाद्य तेलों में इसको मिलाया जाता है। इसका इसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, तो इसका उपयोग गैस्ट्रिक अल्सर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगियों के उपचार में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग उल्टी रोधी प्रभाव यानी कि इसके पास कुछ एंटी नोजिएटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, और कुछ टॉनिक के अंदर भी सहायक के रूप में इसको मिलाया जाता है। तो ये सभी यूज है यहाँ पे जिंजर के या फिर अदरक के। तो यहाँ पे दो स्पाइसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ब्लैक पेपर एंड जिंजर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्यूवरेजेस के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।